YouTube के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय आज मैं शिक्षा के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। शिक्षा क्या है और यह किस तरह से समाज को प्रभावित करती है। शिक्षा को जानने से पहले साक्षर और शिक्षित को जानना होगा साक्षर क्या है। जो स्त्री या पुरुष लिखना और पढ़ना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। शिक्षित के बारे में कहा गया कि जो कम से कम मैट्रिक पास हो उसे शिक्षित कहते हैं। अब शिक्षा के बारे में जानना आवश्यक है। शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखलाना। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें शिक्षा निहित नहीं हो। सभी में शिक्षा निहित है, बस उसे अंदर से बाहर निकालने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इटसेल्फ ऑलरेडी इन मैन। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में बताया था कि शिक्षा एक ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर शांत वातावरण हो। गांधी जी ने शिक्षा के बारे में कहा था कि व्यक्ति और बालक का सर्वांगीण विकास, मन, आत्मा और शरीर का संपूर्ण विकास ही शिक्षा है। अगर कोई देश में शिक्षा की स्थिति अच्छी है तो उस देश का विकास होने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। आज भारतवर्ष में देखा जा रहा है कि शिक्षा की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन अभी आवश्यकता है शिक्षा को और भी विकास करने की। जैसा कि शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है और हमेशा हम सभी शिक्षा से कुछ न कुछ सीखते हैं। आज हम सभी शिक्षा के बल पर बहुत कुछ प्राप्त कर सके हैं। शिक्षा के बारे में कहा गया है कि शिक्षा विकास की सीढ़ी है। जब और यह हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। जब हम एक वर्ष की योजना बनाते हैं तो फसल लगवाते हैं, धान, मक्का इत्यादि। पंचवर्षीय योजना बनवाते हैं तो पेड़ पौधे लगवाते हैं, क्योंकि 5 वर्ष में पेड़ पौधे का विकास हो जाता है। फैक्ट्रियां लगवाते हैं, फैक्ट्रियां के माध्यम से 5 वर्ष में मुनाफा प्राप्त होने लगता है। लेकिन अगर मानव संसाधन का विकास करना है तो शिक्षा का विकास करते हैं। और देखा जाए तो जब भारतवर्ष 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था तो उस समय हम बहुत पिछड़े हुए थे। आज हम सभी अमृत महोत्सव
मना रहे हैं और देख रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से भारतवर्ष का काफ़ी विकास हुआ है। पहले बैलगाड़ी के माध्यम से हम सभी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते थे, लेकिन आज वायुयान के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। आज देखा जाए तो शिक्षा के माध्यम से व्हाट्सएप का निर्माण हुआ और हम एक स्थान से दूसरे स्थान के व्यक्तियों को और भी जो कार्य हो रहा है उसे देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, यह तभी संभव हो पाया है जब शिक्षा का विकास हुआ है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि अभी भी भारतवर्ष में शिक्षा का विकास करने की आवश्यकता है, यही शिक्षा है। धन्यवाद।